नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन के चलते दोस्तों हम घर में रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर का पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज को बहुत मिस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे घर बैठे ही। शुरू करने के पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 पोटैटो छील के रखे हैं। अगर आपके पोटैटो जितने लंबे और बड़े होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आइए देखते हैं हम इसे कैसे काटते हैं। ये 2 लोगों के हिसाब से मैंने 3 पोटैटो को काट रखा है। ये देखिए, हमने पोटैटो को ऐसे लिया है, इसे हम एक लेवल में काटेंगे ताकि हमारा जो फिंगर चिप्स है वो एक बराबर आ जाए। तो ये देखिए, इसी तरह से हम इसे काट लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बनाने से हमारे बच्चे जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे काट लेने हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारी फिंगर चिप्स कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कटी हुई है। आप भी घर बैठे इसी तरह से काट लीजिए। अब इसे काटने के बाद हम, ये देखिए मेरे पास ठंडा पानी है, इसको हम ठंडे पानी में डाल करके फ्रीजर में लगभग 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर हम इसे निकालेंगे। लगभग 10 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, अब हमारा जो फ्रेंच फ्राइज है वो तलने के लिए एकदम तैयार हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है। इसे पहले हम प्लेट में निकालेंगे और इसमें से जो एक्सेस वाटर है उसे हम सोक कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 3 आलू से, बड़ी बड़ी 3 आलू से इतनी सारी फ्रेंच फ्राइज जो है हमारी हुई है। तो आप उस हिसाब से इसे अपने परिवार के हिसाब से इसे काटिए। टिश्यू पेपर से इसमें जो एक्सेस वाटर है इसे हम पोंछ लेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा फ्रेंच फ्राइज एकदम से पूरी तरह से तैयार है तलने के लिए। अब हम इसे तेल में डालेंगे तलने के लिए। मैंने पहले ही कढ़ाई गरम रखी है, इसमें तेल गरम हो गया है, अब इसे हम डालेंगे। इसे हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ्रेंच फ्राइज किस तरह से तैयार हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब ये हल्का हल्का सा हो गया है। अब इसे एक बार हम निकाल लेंगे फिर से, और निकालने के बाद इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे लगभग 20 मिनट्स तक, ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी फाइनल फ्राई करेंगे। तो उसे इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से निकाल करके आप इसे, मैं भगवान किसी और को ले रही हूँ, प्लेट में तो दिखा नहीं रहा है। तो दोस्तों, अब हमने इसे निकाल लिया है, अब इसे हम फ्रीजर में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हम इसे फ्रीजर में डाल रहे हैं, तो दोस्तों अभी हमारा फ्रेंच फ्राइज पूरी तरह से ठंडा हो गया। इसे अब एक बार हम फिर तेल में डालेंगे और इस बार हम इसे पूरी तरह से डीप फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, जब तक अभी ये गोल्डन ब्राउन होगा, चलिए हम इसके ऊपर डालने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए एक कटोरी थोड़ा सा, ये मेरे वो वाटी रखी है, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसमें हम। नमक डाल लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और
और इसके बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे। देखिए मेरे पास एवरेस्ट का चाट मसाला है, इसे हम डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। तो दोस्तों अब इसके उसके ऊपर डालने के लिए मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों अब इस तरह से ये हमारा फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ प्लेट देखिए कितना क्रिस्पी और गोल्डन हुआ है हमारा फ्रेंच फ्राइज। तो दोस्तों अब इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। आपको जिस हिसाब से अगर तीखा खाना है तो आप उसमें लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा, कितना टेस्टी सा हमारा फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गया। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। आप इस तरह से लॉकडाउन के चलते आप घर में रहकर भी इस तरह की चीजें बना सकते हैं और आपके घर के बच्चों को खुश कर सकते हैं। अब इसे गर्मा गर्म परोसिए सॉस के साथ। तो ये देखिए तो ये देखिए इस तरह से हमारी फ्रेंच फ्राइज तैयार है।